बाद प्रभुराम चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जो क्राइसिस कमेटियां थी उनको सबको संबोधित किया गया है और आज ये भी निर्णय लिया गया कि पहली से बारहवीं तक की जो स्कूल थे वो अब 31 तारीख तक बंद रहेंगे और जो भी जो मेले हैं उन पर तो पहले से ही पाबंदियां थी, खुले में जो रैलियां हैं और बड़े बड़े कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, सिर्फ 250 तक ही होंगे। सर सैटरडे संडे ऐसे कुछ बंद करने की कोई और सख्ती लागू करने की कोशिश की नहीं, जो हमारा जो रात को जो कर्फ्यू है वो अभी वही जारी रहेगा। कई कई कलेक्टर हैं जहां पर छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, उनको सीएम ने हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन पूरा करें। हाँ, वैक्सीनेशन जिन जिलों में कम हुआ है या सभी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो हमारे 15 से 17 वर्ष के बच्चे हैं उनको किया जाए। स्कूल सिर्फ ऑनलाइन लगेंगे अभी ना? स्कूलों को अभी 15 से 31 तक के लिए बंद कर दिया। तो आप सुन रहे थे प्रभुराम चौधरी को और उनका भी ये साफ कहना है कि अभी स्कूलों के ऊपर पाबंदी जो है लागू की गई है, 15 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिदायत दी है और सख्ती से कहा है कि वैक्सीनेशन को पूरा करवाया जाए, साथ ही साथ अभी नाइट कर्फ्यू जिस तरह से चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो आपको बता दें कि सभी रैली और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। शादी में जिस तरह से लोगों पर अभी पिछले दिनों पाबंदी लगाई गई थी तो 200 की तादाद में ही अभी लोग आ सकते हैं और सभी बड़ी सभा और आयोजनों पर भी रोक ऐसे ही चलती रहेगी।